21 मार्च 2024 को महेंद्र सिंह धोनी की जगह पर ऋतुराज गायकवाड़ को चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान बनाया गया। जैसे ये फैसला आया, फैंस का दिल टूटा, लोगों के अंदर निराशा हुई, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के लिए कुछ लोगों ने प्रेस करना भी शुरू किया कि ऋतुराज गायकवाड़ परफेक्ट चॉइस है सीएसके के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा होना था। धोनी लगातार खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, कभी ना कभी तो वो छोड़ेंगे ही, तो हो सकता है अपने सामने ही वो किसी खिलाड़ी को ग्रूम करके जाएं। तो ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाने का फैसला किया। ऋतुराज गायकवाड़ भी इस फैसले से काफी प्रिविलेज्ड महसूस कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, ये जिम्मेदारी अगर धोनी भाई ने मुझे दी है तो मैं इस पर ज्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ। तमाम चीजें चली सोशल मीडिया पर, ऋतुराज गायकवाड़ के प्रेज में बातें चली और कुछ अगेंस्ट में चली, कुछ धोनी के रिटायर होने की वजह से खबरें चली, कुछ धोनी के कप्तानी छोड़ने की वजह से खबरें चली। इसी बीच खबर उठी कि ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पर रविंद्र जडेजा को एक और मौका दिया जाना चाहिए था, मतलब फैंस जो चाहते थे कि रविंद्र जडेजा एक बार फिर से कप्तान बनते। आपको बता दें कि 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा को सौंपी थी। तो चेन्नई के कप्तान उस वक्त बने थे रविंद्र जडेजा, जब चेन्नई 2021 में जीती थी, 22 में कप्तानी दे दी गई थी जडेजा को। जडेजा उस कप्तानी का भार नहीं उठा पाए थे और टीम का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत खराब था। पॉइंट टेबल में टीम 9वें नंबर पर रही थी। फिर कुछ मैच बाद जब लगा कि जडेजा से कप्तानी नहीं संभल रही है, तो धोनी ने वापस कप्तानी ओवरटेक कर ली। उसके बाद 2022 के बचे हुए मैचों में कप्तानी की, साथ ही साथ 2023 में कप्तानी की और टीम को चैंपियन बनाया। इस बार जो हुआ है वो कि ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान बन गए, पर कप्तान से हटने का कोई सवाल उनका पैदा नहीं होता है। कम से कम 2 सीजन उन्हें दिए जाएंगे। अब जडेजा को कप्तान क्यों नहीं बनाया गया, इस पर सबका राय सवाल सब आ रहा था। लेकिन जब जवाब आपको चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टेफन फ्लेमिंग का मिल जाए, तब आप समझ सकते हैं कि क्यों उन्हें कप्तान नहीं बनाया गया। स्टेफन फ्लेमिंग का कहना है कि ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाने के लिए धोनी ने पिछले साल ही तैयारी कर ली थी, और इस बार एक हफ्ते पहले करीब जब सब डिनर टेबल पर बैठे हुए थी, टीम मेट जब डिनर कर रहे थे, उस वक्त धोनी ने कहा कि ऋतुराज गायकवाड़ अब इस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे, मैं कप्तान नहीं रहूंगा। सब लोग खुश थे, खुशी का माहौल था। फिर जब उनसे पूछा गया कि रविंद्र जडेजा इससे बुरा तो नहीं फील करेंगे, तो उन्होंने कहा जडेजा से इस बारे में बात भी की गई है, फैसला उनके पूछ कर लिया गया, और जडेजा ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो इन सब चीजों में विश्वास रखें कि कप्तानी नहीं मिली है तो मुझे बुरा फील होगा। और दूसरी बात, रविंद्र जडेजा ने चेन्नई सुपर किंग्स के इतिहास में वो ऐसा जगह बना लिया और ऐसी जगह नाम दर्ज करा लिया है जो आने वाले 100 साल से ज्यादा उनका नाम याद रखा जाएगा। वो 2023 की आखिरी 2 गेंदे जब चेन्नई सुपर किंग्स चैंपियन बनी थी, तो वो ऑलरेडी फैंस के दिल और दिमाग में बस चुके हैं। तो रविंद्र जडेजा का जो एक्सपीरियंस है वो ऋतुराज गायकवाड़ को काम आने वाला है और गायकवाड़ की बहुत हेल्प भी करेगा। जब फ्लेमिंग से पूछा गया कि गायकवाड़ ही कप्तान क्यों बने जबकि विकल्प थे आपके पास, तो उन्होंने कहा कि गायकवाड़ को एक तो भविष्य में देखते हुए कप्तान बनाया गया, साथ ही साथ गायकवाड़ एक संयम रखने वाले खिलाड़ी हैं और उनको खुद पे बहुत भरोसा रहता है और टीम में भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, ये सोचकर धोनी ने उनको कप्तान बनाने का फैसला किया। ऋतुराज गायकवाड़ को जडेजा से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जडेजा अच्छे इंसान है और उम्मीद है कि जडेजा बहुत कुछ सिखाएंगे ऋतुराज गायकवाड़ को। तो जडेजा को इसलिए कप्तान नहीं बनाया गया, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान बने और धोनी एज अ प्लेयर खेलते हुए नजर आएंगे। और एक और सवाल था जो फैंस के लिए खुशी का सवाल था, एक्चुअली उनसे पूछा गया धोनी अभी कैसे है, यानी कितना फिट है, तो उन्होंने कहा धोनी पिछले साल के सीजन से ज्यादा इस बार फिट है और उम्मीद है इस सीजन के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि महेंद्र सिंह धोनी फैंस को दोबारा देखने को मिल सकते हैं। क्या है आपकी राय इस खबर को लेके, जडेजा के कप्तान ना बनने को लेके और ऋतुराज गायकवाड़ के कप्तान बनने को लेके, हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।